वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो अगेन आई हैव केम बैक विद अ मैथ सब्जेक्ट. ऑलरेडी आई हैव ट्रेंड यू हाउ टू डू एडिशन सम, सब्सट्रैक्शन सम, मल्टीप्लिकेशन सम्स विद अ लैटिक मेथड एंड द सिंपल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेथड. नाउ कम बैक टू डिविजन्स. आवर नेक्स्ट लेसन इज नेक्स्ट पार्ट इज डिविजन चैप्टर नंबर 6. ओके नाउ हियर आई विल टीच यू हाउ टू डिवाइड नंबर विथ ईच अदर. नाउ लुक हियर एट द फर्स्ट सम. व्हाट इट इज रिटन, सी केयरफुली व्हाट इट इज रिटन. If 20 chocolates are divided equally between 5 children, अगर 20 chocolates 5 बच्चों के बीच में divide कर दिया जाए, how many does each child get? तो एक बच्चे को कितना chocolate मिलेगा? The sum is very much easy. The solution, the method is of division. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 चिल्ड्रेन एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स, इट्स 20 चॉकलेट्स. ओके सो 5 डिवाइडेड बाय 20. तो 5 के टेबल आपको टेबल मल्टीप्लिकेशन करना है. 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आ रहा है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20. Here we are getting 5 fours are 20. Okay? और उसके बाद 20 अब जब लिखोगे तो नीचे आंसर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0. Is that clear? Now here 4 is what? It's a quotient. It's a quotient. अब जो आंसर नीचे आ रहा है, जो आंसर सब्सट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर. अंडरस्टूड. अब ये 5 क्या हो गया, दैट इज डिवाइजर एंड 20 इज वॉट, इट्स डिविडेंट. अंडरस्टूड. डिविजन करके जो ऊपर आंसर आ रहा है दैट इज क्वेश्चन, माइनस करने के बाद जो नीचे आंसर आ रहा है दैट इज रिमाइंडर. जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वॉट, डिविडेंट. और जिसके थ्रू से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 5 हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 इज व्हाट, इट्स अ डिवाइजर. अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू सॉल्व द सम्स. नाउ हियर इज अ सेकेंड वन. इफ 21 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 7 चिल्ड्रंस, हाउ मेनी फ्लावर डस ईच चाइल्ड गेट. अब यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिया हुआ है, 21 डिवाइडेड बाई 7. ओके 21 डिवाइडेड बाई 7, यू हैव टू राइट दिस वे, 21 21 डिवाइडेड बाय 7. ओके अब लुक हियर इन एग्जांपल, 7 कितना था, 21. 7 का टेबल्स आप
काउंट आउट करो. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21. इट्स 7 3 21. तो क्या आएगा यहाँ पे ऊपर 3. 7 3 यू हैव टू राइट डाउन 21 डाउन. माइनस करने के बाद 1 1 0, 2 2 0. ईच चाइल्ड गेट हाउ मेनी फ्लावर? 3 फ्लावर. अंडरस्टूड? दिस इज अ वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द डिविजन सम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. नाउ सी यर इन एक्सरसाइज पेज नंबर 32. दिस इज द सम 8 डिवाइडेड बाई 2. यू हैव टू मेक दिस वे. अंदर के साइड क्या आएगा? 8. बाहर के साइड में 2. तो 2 कितना था? 8. यू हैव टू काउंट द टेबल्स. ओके, इन दिस सम और यू कैन से वाइल डूइंग मैथ्स योर टेबल शुड बी बाय हार्टेड. अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप कोई भी सम्स कैरी आउट नहीं कर सकोगे. सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू कंस्टेंटली लर्न टेबल्स. ओके, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. सो 2 4 8 माइनस 8 माइनस 8, 0. ओके, सो द क्वेश्चन इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 0. अंडरस्टूड? नाउ कम टू सेकेंड वन. व्हाट इज सेकेंड वन? इट्स 16 डिवाइडेड बाय 4. अगेन वी हैव टू मेक अ डिवीजन कॉलम 16 इनसाइड 4 आउटसाइड. 4 कितना था? 16. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. So 4 4 16, you have to write it down. 6 minus 6, 0. 1 minus 1, 0. Okay, so the quotient is 4 and remainder is 0. Understood? So in this way you have to do all the sums given in this page. So this is your homework. Clear? Now come to page number 33. 33 में डाउन साइड में देखिए what it is given. 35 divided by box equal to 5. और ऊपर के साइड में क्या लिखा हुआ है? 7 multiply by 5 equal to 735. यानी 7 5 35. तो अब आप सीधी तरीके से लिखो या उल्टी तरीके से लिखो, द आंसर इज ऑलमोस्ट सेम. द आंसर विल बी सेम. ओके, अब यहाँ पे 35 डिवाइडेड बॉक्स इक्वल टू 5. तो 5 कितना सा 35 हुआ? 5 7 35. ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है 35 डिवाइडेड बाय बॉक्स इक्वल टू 7. तो 35 कितना सा? 7 कितना सा 35? 5 सा. अब 7 5 35, आप ऐसा लिखो या 5 7 35 ऐसा लिखो, बट द आंसर इन बोथ वे इज द सेम. अंडरस्टूड? Got it, students? So this also you have to do in your notebook. Even this is homework of page number 33. Now come to page number 36. Carry out the division, write down the divisor, dividend, quotient and remainder. So
Now look at the first sum over here. 5 divided by 75. Okay. Now how you have to divide? Let me tell you. I am showing you over here. 75 inside and 5 outside. कैसे लिखोगे आप? अभी 5 जो है वो 7 से छोटी है. इट्स स्मॉलर देन 7 एंड सॉरी 7 जो है वो 5 से बड़ा है. तो यू हैव टू टेक अ सिंगल नंबर फर्स्ट. अगर 7 के जगह में यहाँ पे 4 होता तो आपको 2 नंबर लेना पड़ता था. लेकिन 5 से 7 बड़ा है, बिगर है, तो आप एक नंबर में डिवाइड करोगे. सो हाउ यू विल डिवाइड? 5 1 5 5 2 10. अब 10 जो हो रहा है 5 2, वो बड़ा हो जा रहा है 7 से. तो वी विल टेक 5 1 5. ओके, नाउ 7 माइनस 5 2. ओके, 7 माइनस 5 2. 5 के बाद से 7 तक काउंट करना है. 5 6 7. तो आंसर इज 2. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग दिस 5 डाउन. ओके, अब क्या बन गया ये 25. अब 5 के टेबल में 25 आता है. 5 5 20 5. ओके, तो आंसर इज क्या आएगा? 0. क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे 15 जो है वो क्वेश्चन है. 25 माइनस 25 जो 0 आएगा, डैट इज रिमाइंडर. 5 जो है वो क्या है? डिवाइजर. और 75 जो है दैट इज डिविडेंड. अंडरस्टूड स्टूडेंट? क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट सम. तो आपको पूरा डिवीजन सम कैरी करने के बाद आपको क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर और डिविडेंड लिखना है. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. 4 divided by 52. अगेन आई एम सॉल्विंग योर 52 इनसाइड, 4 आउटसाइड. अब यहाँ पे हम पहला सिंगल नंबर लेंगे, 5 पहला हम डिवाइड करेंगे. तो 5 जो है 4 से छोटा है, और 5 जो है 4 से बड़ा है, और 4 जो है 5 से छोटा है. इट्स अ स्मॉलर डिजिट. सो 4 1 4. ओके, 5 माइनस 4 1. नाउ 1 इज स्मॉलर देन 4, यू कांट डिवाइड इट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग दिस 2 डाउन एंड मेक इट 12. तो अब 4 12 हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. 4 कितना जा 12? 4 1 4 4 2 8 4 3 12. 12 में 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0. अभी यहाँ पे 13 क्या हो गया? इट्स अ क्वेश्चन. 0 क्या हो गया? इट्स अ रिमाइंडर. ओके, 0 इज अ रिमाइंडर. 4 क्या हो गया? इट्स अ डिवाइजर. और 52 क्या हो गया? इट्स अ डिविडेंड. अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ रेस्ट ऑफ द सम्स फ्रॉम पेज नंबर 36 यू हैव टू डू एज होमवर्क. ओके, दिस पेज इज होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट एट होम. राइट स्टूडेंट्स? So again I will be back with the next lecture. Hope so you understand very well what is division and how it should be divided.
So carry on with all the sums and complete your work. Stay safe, stay at home. Till then, thank you.